अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाऊंगी कढ़ाई पनीर, जो कि रेस्टोरेंट जैसा इसका टेस्ट होगा, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल में नहीं, मेरे स्टाइल में बनाऊंगी, जिसमें ना फ्रेश क्रीम यूज़ होगा ना काजू का पेस्ट। तो इसकी जगह हमें क्या यूज़ करना है वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। तो इसके बिना ही, हम इन दोनों के बिना ही हम इसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने इस तरीके से क्यूब में कट कर लिया है, और ये एक शिमला मिर्च ली है मैंने, इसे भी ऐसे कट कर लिया है क्यूब्स में, और एक मैंने प्याज ली है बड़े साइज़ की, इसे भी ऐसे क्यूब में कट कर लिया है, और एक प्याज मैंने पीस के इसका पेस्ट बना लिया है, और दो मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है, और मैंने लिए हैं कुछ साबुत मसाले, जिसमें मैंने एक टीस्पून ली है काली मिरी, एक टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और एक टीस्पून मैंने ली है सौंफ, और एक टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया, और ये पांच छह मैंने लिए हरी इलायची। अब यहाँ मैंने एक छोटा सा बाउल ले लिया, इसमें एक टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी, और एक टीस्पून मैंने धनिया का पाउडर, और दो टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, और हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया, और इसमें मैंने साबुत मसाले डाल दिए अपने, और इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे इस पर। जब मसाले अच्छे से भुन जाए तो इसको दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सी में, और ये कुटा हुआ मसाला हम इसमें ऐड कर लेंगे। हमारे जो पाउडर मसाले का हमने जो पेस्ट बना के रखा था, इसमें ये मसाले ऐड कर लेंगे, और इसे मिला के साइड पे रख लेंगे। वही पैन में हमने थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया, अब मैं इसमें क्यूब्स में कटी हुई जो प्याज रखी थी उसको मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल में, थोड़ी सी नरम होने तक इसे फ्राई करेंगे अच्छे से, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। अब इसी में हम शिमला मिर्च भी फ्राई कर लेंगे अपनी, इसको भी थोड़ा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे, फिर हम पनीर को भी फ्राई कर लेंगे इसमें। पनीर को ज़्यादा कलर लाल ना होने दे, हल्का फ्राई करना है इसको। देखिए ये मैंने तीनों चीज़ें फ्राई करके ले ली हैं। अब हम कढ़ाई ले लेंगे और उसमें अपने हिसाब से तेल ऐड कर लेंगे, आप जैसा तेल जितना खाते हो उतना डाल लीजिए। इसमें हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर लिया, दो तेज़ पत्ते डाल दिए, उसके बाद हम इसमें प्याज वाला पेस्ट जो हमने बना के रखा है वो डाल देंगे, और इसको अच्छे से भुनेंगे जब तक कि इसकी प्याज की मिठास ना निकल जाए, इसका कच्चापन ना निकल जाए, और ये अच्छे से इसका कलर सुनहरा ना हो जाए, तब तक इसको भुनेंगे हम।
देखिए हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया इस तरीके से। उसके बाद जो हमने मसाला पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। फिर इसे अच्छे से भूनेंगे मसाले को 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक इसका तेल ऊपर ना आ जाए। हल्का सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि मसाला लगे ना। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर लेंगे। और हम इसे 2-4 मिनट और भून लेंगे अच्छे से। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेंगे। देखिए तेल ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छा भुना गया है। अब इसमें 1/2 प्याली हम दूध ऐड कर लेंगे। हमें क्रीम की जगह, काजू पेस्ट की जगह हमें दूध ऐड कर लेना है 1/2 प्याली, ये वही टेस्ट देगा। और 1/2 टीस्पून हमें चीनी ऐड कर लेनी इसमें। चीनी और दूध मिलके हमें क्रीम वाला ही टेस्ट मिलेगा, काजू वाला ही टेस्ट मिलेगा बिल्कुल। अगर हमारे पास काजू नहीं है, हमारे पास फ्रेश क्रीम नहीं है, तो हम दूध से इसे बना सकते हैं। देखिए ये हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, भुन गया है। अब इसमें हम सारी चीज़ें डाल देंगे, पनीर, शिमला मिर्च और प्याज, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए सिम पर पकाएंगे। देखिए 5-7 मिनट हमने इसे ढक के रखा था, अभी रेडी हो चुकी है। हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। इसकी ग्रेवी इसी तरीके से होती है। अगर आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये इतनी ड्राई होती है। अब हम इस पे कटा हुआ धनिया डाल देंगे और ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो देखिए इसे मैंने डिश आउट कर लिया। तो देखिए कैसी लग रही है, दिखने में तो बहुत अच्छी है और खाने में भी बेहद टेस्टी बनती है ये। और इसमें क्रीम की ज़रूरत नहीं है, इसमें काजू की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये टेस्ट सेम वैसे ही होता है इसका। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।